हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एसर के लैपटॉप में किस तरह से बायोस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हैं और किस तरह से अपने लैपटॉप की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं बायोस की, और किस तरह से आप अपने लैपटॉप को किसी पेन ड्राइव या फिर किसी सीडी से बूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बायोस ऑप्शन होता है, बायोस मेन्यू ऑप्शन होता है, उसको आपको ऑन करना पड़ता है। तो मैं ये सारी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ अपने लैपटॉप पर जा करके। तो चलिए अगले लैपटॉप में देखते हैं, और मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है या फिर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं कुछ इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आप लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। सो मेरे पास जो लैपटॉप है वो है एसर का एस्पायर ES15। ये लैपटॉप मेरे पास इस टाइम है, तो इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें अपना बायोस मेन्यू ऑन करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आप पावर बटन ऑन करेंगे। पावर बटन इसमें आप दबाएंगे एक बार। जैसे ही आपका लैपटॉप स्टार्ट होता है आपको F2 प्रेस करना है। इसे आप 3 से 5 बार प्रेस कर लीजिए। ये देखिए मैंने प्रेस किया है, यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये यहाँ पर लोड हो गया है। जो बूट मेन्यू है वो यहाँ लोड हो गया है। देखिए इसमें कुछ बेसिक सेटिंग इसमें यहाँ दी हुई हैं। इन्फॉर्मेशन है CPU के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई i3 CPU है। मॉडल के बारे में है, ये इसका हार्ड डिस्क का मॉडल है Toshiba 1TP, और ये इसकी रैम की जो मेमोरी है सिस्टम की वो है 4GB मेमोरी इसके अंदर है। ये दूसरा ऑप्शन है सेटिंग का, इसमें देखिए आप ये जो एफ मेन्यू इनेबल आ रहा है ये आपका इनेबल ही होना चाहिए, वरना आप बूट मेन्यू इनेबल नहीं कर पाएंगे। ये तीसरा सिक्योरिटी का ऑप्शन है, सिक्योरिटी सेटिंग है। हार्ड डिस्क में आप पावर यहाँ से पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं। ये बूट का ऑप्शन है, बूट मोड है, ये लेजेंसी पे ही आपका लगा होना चाहिए, तभी आप इसमें USB या पेन ड्राइव वगैरह से इसे बूट कर पाएंगे इस लैपटॉप को। और इस जो ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। F5 अगर आप दबाएंगे तो ये नीचे मूव हो जाएगा, मूव डाउन होगा, और अगर आप इसे F6 आप दबाएंगे तो ये अप साइड में मूव होगा, ऊपर की साइड में मूव होगा। ये देखिए इस तरह से F6 से ऊपर को मूव हो रहा है और F5 से नीचे को मूव हो रहा है। तो बस ये हमारी सेटिंग हुई है। अब आप इसे सेव कर लीजिए, F10 से आप इसे सेव कर देंगे, F10 दबा करके, और इसे यस कर देंगे और आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसमें में पावर बटन आप ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद F12 आप इसमें प्रेस करेंगे जिससे कि बूट मेन्यू इसमें आपको मिलेगा, बूट मेन्यू या बूट मैनेजर कह लीजिए, बूट मेन्यू ऑप्शन। और यहाँ से आप इसमें ये सेट कर सकते हैं कि आप किस चीज़ से बूट करना है। आपको USB पेन ड्राइव से करना है। ये देखिए मैंने पेन ड्राइव से बूट किया है और ये पेन ड्राइव से इस वक्त बूट हो रहा है।